सद्ध सार शुद्ध। ये जो सद्ध है या शब्द है शुद्ध, पाली में इसको बड़े से ऐसे शुद्ध बोल रहे हैं हम, जबकि ये प्रैक्टिस में और चारों तरफ बोला जाता है शुद्ध। शुद्ध में, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया है कि पाली के अंदर दोनों प्रकार के शय नहीं होते, विषय वाले में जो शय आता है वह भी नहीं होता, और जो शलजम में या शेर में आता है वह भी नहीं होता। इसका मतलब ये सारे के सारे एक ही शय होता है, जिसको शय से बोलते हैं, सुधीर वाला जो मेरा नाम है या संसार वाला। तो यहाँ ये शुद्ध शब्द नहीं है, ये है शुद्ध। और शुद्ध का मतलब होता है बिल्कुल प्योर, पाली के अंदर भी, और शुद्ध का मतलब भी प्योर होता है। शब्द बदल गए हैं, शय बदल गया है, मगर जो अर्थ है, जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो बिल्कुल एक ही है। इसका मतलब है प्योर, जो मन से और दिल से और पूरी कर्म से, वचन से, वाणी से बिल्कुल 100% शुद्ध होता है, प्योर होता है, उसको बोलते हैं शुद्ध। शुद्धोधन एक आपने नाम सुना होगा, जो सिद्धार्थ गौतम, यानी सिद्धार्थ गौतम या भगवान बुद्ध के जो पिता का नाम था सिद्धार्थ गौतम, तो सिद्धार्थ गौतम के पिता का नाम शुद्धोधन। शुद्धोधन का मतलब है शुद्ध ओधन, यानी शुद्ध ओधन का मतलब है जो बिल्कुल प्योर पका हुआ चावल होता है उसको, क्योंकि धान की और ओधन की यानी चावल की बहुत ज़्यादा मान्यता थी, इसलिए इसको शुद्ध ओधन करके बोला जाता है। यानी पका हुआ चावल अगर बिल्कुल शुद्ध है, प्योर है, तो शुद्ध ओधन उसका बोला जाता है, तो ये शुद्ध ओधन नाम पड़ा। और यहाँ धन को भी धान ही बोलते हैं, जो पुराना समय में जो धन होता था, यानी धान को ही धन बोलते थे, धान और धन एक ही बात थी, तब पैसा नहीं होता था, धनी धान और धनी, किसी को धन्यवाद करना हो तो इसका मतलब धनवाद होता था, यानी कि उसको धान दिया और धन्यवाद हो गया, ऐसे करके इसका बनता है। तो आज की डेट में जो शूद्र बोला जाता है कि ये लोग शूद्र हैं, शूद्र कोई शब्द नहीं है पाली के अंदर, क्योंकि आधा रय नहीं है उसके अंदर, आधा रय नहीं है, इसलिए ये शूद्र नहीं है, ये शुद्ध है, पूरा का पूरा शुद्ध है। और शुद्ध का मतलब प्योर है, वो लोग जो भारत में, भारत के रहने वाले, बुद्ध के समय में और बुद्ध से पहले भी कभी जीवन में कोई उन्होंने बुराई नहीं की, बहुत ज़्यादा देशभक्त रहे, देश के लिए मर मिटने वाले रहे, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने परिवार के लिए हमेशा अच्छे रहे, ना शराब पीते थे, ना जुआ खेलते थे, ना रिश्वत ले लेते थे, ना व्यभिचार करते थे, ना झूठ बोलते थे, और ना ही हत्या करते थे, जो पाँच सील का पालन करते थे वो सारे लोग शुद्ध होते थे, वही लोग आज के शूद्र हैं। और अधिकतर जितने भी हैं वो सब भगवान बुद्ध के, यानी भगवान बुद्ध के वंशज हैं, उन्हीं की जो गोत्र लाइन है उन्हीं की लाइन पर चलते हैं, उन्हीं की लाइन से आगे बढ़े हुए हैं। धन्यवाद।